फोन की अनबॉक्सिंग आपने देख ली, बारी आती है यहाँ पे फोन का फर्स्ट इंप्रेशन देखने की। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बैक पैनल के बारे में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार दिखने वाला बैक पैनल है, एकदम गेमिंग फोन की तरह ही बना है, जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं गेमिंग फोन का बैक पैनल क्लासिक सा होना चाहिए, वैसे ही कंपनी ने है। यहाँ पे ROG का यहाँ पे पूरा देख सकते हैं लोगो बना है, ग्राफिक्स बने, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा है, और देख सकते हैं कैमरा मॉड्यूल भी यूनिक सा है। कर्व्ड बैक पैनल है, ग्लास दिया गया है बैक पैनल पे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि कितने सही लुक वाला साइड में फ्रेम मिल जाता है आपको। यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा फोकस आउट होता है, सॉरी। इधर आपको एयर ट्रिगर बटन मिल जाते हैं, जो कि हमेशा की तरह ही आपको ASUS ROG फोन्स मिलते हैं। ये पावर बटन है, यहाँ पे एक माइक मिल जाता है, इधर आपको वॉल्यूम कर की मिल जाती है, ऊपर आपको एंटीना बैंड मिल जाते हैं। इस तरह अगर देखेंगे इधर भी एंटीना बैंड दिए गए, इधर एक पोर्ट दिया गया है, ये पोर्ट दिखा दूं मैं। तो यहाँ पे आप कूलिंग फैन लगा सकते हैं, जो कि कंपनी ने हमें भेजा है, मैं आपको चेक कराऊंगा वो फैन। आपको कूलिंग फैन वैसे अलग से लेना पड़ेगा, और साथ साथ यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, तो चार्जिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, जब आप गेम खेल रहे होंगे उस दौरान कर पाएंगे। नीचे भी टाइप सी पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे एक 3.5 ऑडियो जैक मिलता है। तो ओवरऑल लुक्स काफ़ी अच्छी है। ROG के जो फोन होते हैं वो गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं, और उसी पर्पज़ से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसका डिज़ाइन भी वहाँ से मिलता जुलता है। यहाँ पे जरा मैं डिस्प्ले में जाके आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, पहले स्कीम डार्क हो रखे, मैं लाइट कर देता हूँ फिलहाल आपको, ताकि डिस्प्ले ठीक से दिख जाए। डिस्प्ले देख सकते हैं कि थोड़े ऊपर नीचे बेजल्स हैं हल्के हल्के, पर एक सीमलेस डिज़ाइन बनाया जाता है गेमिंग के लिए। पंच होल दे देंगे तो परेशानी होगी, गेम खेलने में दिक्कत होगी, तो यहाँ पे एक सीमलेस डिज़ाइन बनाया जाता है, वही कंपनी ने यहाँ पे किया है, सीमलेस डिज़ाइन बनाया। साइड के आप देख सकते हैं बेजल्स हैं, वो ना के बराबर बेजल्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल लुक काफ़ी शानदार है इस फोन की। इस फोन की अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.78 इंच का आपको इसमें क्वाड HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले मिल जाता है, और डिस्प्ले में इतनी सारी खूबियाँ हैं कि आप सुन के ही कहेंगे वाह खरीद लिया जाए। आपको बता दूं कि क्वाड HD रेजोल्यूशन है, साथ साथ इस पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन दी गई, स्क्रैचेस तो बहुत ही ना के बराबर पड़ने वाले हैं इस पर, और इसमें आपको 144 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED पैनल मिलता है, HDR 10 प्लस सर्टिफाइड है, 300 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी इसमें आपको मिल जाता है, और ओवरऑल एक पूरी तरह से पावर पैक डिस्प्ले कंपनी लेके आई। 2.5D कर्व्ड है, फुल कर्व नहीं है, क्योंकि गेमिंग के लिए फुल कर्व की जरूरत नहीं होती, यहां पे कंपनी ने 2.5D कर्व्ड बनाना ही सही समझा है। तो डिस्प्ले काफ़ी शानदार है, गेमिंग के लिहाज से डिस्प्ले को डिज़ाइन किया गया है। अगर हम यहाँ पे कोर स्पेक्स की बात करें तो वो भी आपको ज़रूर पसंद आने वाले हैं। इसमें आपको मिलता है क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट, यानी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट। जी हाँ, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल चिपसेट इसमें आपको मिल जाता है। 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर ये चिपसेट बना हुआ है, और कंपनी ने इसके कई सारे मॉडल्स लॉन्च किए, लेकिन हमारे पास जो मॉडल आया है उसमें आपको 12 GB रैम के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। देख सकते हैं 256 GB लिखा है स्टोरेज, और इसमें 12 GB की रैम दी गई है। अब रैम स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको उसकी मेमोरी का ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 SIM कार्ड आप इसमें डाल सकते हैं, मेमोरी को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा मेमोरी वाला फ़ोन ले सकें, ताकि गेमिंग खेलेंगे तो थोड़ी मेमोरी चाहिए होगी, और फोटोग्राफी भी करेंगे तो आप पता है कि ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में फोटो सेव होगी। और फोटोग्राफी की बात आ रही है तो कैमरा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बता दूँ कि 64 MP का मेन सेंसर आपको मिल जाता है, IMX686 सेंसर इसमें दिया गया है। जो दूसरा सेंसर है वो 13 MP का है, अल्ट्रा वाइड फोटोग्राफी काम आता है, और जो तीसरा सेंसर है वो 5 MP का मैक्रो है, साथ साथ 24 MP का इसमें आपको फ्रंट शूटर मिल जाता है। तो यहाँ आप 8K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत ही सही बात है। स्लो मोशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, स्लो मोशन भी आप देख सकते हैं 4K में स्लो मोशन शूट, वाओ 4K में स्लो मोशन शूट कर पाएंगे आप। बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं फोन के अंदर, पोर्ट्रेट मोड, मैक्रो मोड, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, प्रो वीडियो का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो प्रो वीडियो मोड यार आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आज आप देखते हैं कि लोग अपने फ़ोन से ही अपने वीलॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं, अपने फ़ोन से ही सारे वीडियोस बनाते हैं। तो काफ़ी पावर पैक्ड स्मार्टफोन कंपनी लेके आई है, सिर्फ यहाँ पे गेमिंग का ध्यान नहीं रखा, कंपनी ने कैमरा सेक्शन में भी बहुत सारे आपको फीचर्स ऐड करके दिए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि 6000 mAh की बैटरी इस फोन में मिल जाती है, और 30W की चार्जिंग स्पीड जिसमें दी गई है, तो चार्जिंग भी जल्दी हो जाएगी, बैटरी जल्दी ड्रेन भी नहीं होने वाली। और रही बात इसके सॉफ्टवेयर की, तो एक बार सॉफ्टवेयर सेक्शन में भी आपको जाकर दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पे जाएंगे सिस्टम में, और अबाउट फोन में जाके देखेंगे, एंड्रॉइड 11 दिया गया है, इस पर कंपनी खुद के UI की लेयरिंग आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल बहुत सही स्मार्टफोन है, गेमर्स के लिए बेस्ट चॉइस बनेगा ये फोन, आई एम श्योर आप सबको ये फोन जरूर पसंद आएगा। अब बताती है यहाँ पे जो AC कूलर मिलता है इसका, बेसिकली कूलर जो है जो बेसिकली हीट बचाएगा, वो कंपनी ने हमें भेजा है इसके साथ, और वो मैं फिट करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फिट हो गया है, तो देख सकते हैं कि लाइट्स जलना शुरू हो गई, यहाँ पे कूलर भी ऑन हो गया है, देखिए अभी देखिए इसे, अभी फैन दिख रहा होगा शायद आपको चलता हुआ,
इसको निकालूंगा तो दिखेगा बंद हो चुका है, इसको निकालते हैं। देखिए अभी फ़ैन बंद है, देख बंद हो गया आपके सामने। अब दोबारा लगाते हैं एक बार। ये देखिए फिर से ऑन हो गया, लाइट्स भी ऑन हो गई। तो गेमिंग का पूरा ध्यान रखा है, यानी जब गेम खेलेंगे इसमें तो हीट ना हो ये फ़ोन। इसलिए कंपनी ने इसके साथ एक ये कूलर भी लॉन्च किया था कि आपका फ़ोन कूल रहे हमेशा, ठंडा रहे, आपका फ़ोन हीट अप ना हो। इनफैक्ट आपको एक चीज़ बता दूँ कि फ़ोन के साथ जब कूलर लगाएंगे तो भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे, यहाँ पर स्लॉट दिए, साथ साथ 3.5 ऑडियो जैक भी अटैच कर पाएंगे। तो कंपनी ने गेमर्स के लिए पूरा ध्यान रखा है। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या राय है आपकी एसुस के स्मार्टफोन को लेकर, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ गेमिंग फ़ोन नहीं है ये फ़ोन कैमरा वाइज भी काफ़ी पसंद आएगा आपको। बैटरी बहुत सही है, लुक्स बहुत सही है, डिस्प्ले तो बेहद ही इंप्रेसिव है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख के जाइए, और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।